अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश बी। टुडेस लेक्चर नंबर इज 6 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेपोजिशंस पेज नंबर 58-60। स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी वो आपने अपनी बुक्स में नीट वे में नोट डाउन करनी है और उस एक्सरसाइज को अच्छे से आपने याद भी करना है और समझना भी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेपोजिशंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वर्ड प्रेपोजिशन का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं प्रेपोजिशन को टू पार्ट्स में करूं तो ये क्या बनेगा, प्री एंड फिर ये क्या बनेगा पार्ट दूसरा, पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब होता है जगह, यानी कि किसी जगह पे पहले आने वाले वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन प्रेपोजिशन की देखते हैं। ऐसे वर्ड्स लाइक सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में, उनके साथ रिलेशन बताएंगे, यानी ये दोनों आपस में रिलेशन बताएंगे, तो उनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास, तो आई जो है वो प्रोनाउन है, इन जो है वो प्रेपोजिशन है। क्लास नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये देखिए, नाउन और प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स के साथ उन्होंने आपस में उसका रिलेशन बताया, तो जो इन है वो क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस में हमें तीन तरह की बातें पता चलती हैं, डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। और जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं डायरेक्शन टाइप के, उनमें जो प्रेपोजिशन यूज़ अक्सर किया जाता है वो टू, इन टू, ऑफ या फ्रॉम। टाइम में इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के सेंटेंसेस में इस तरह की प्रेपोजिशन यूज़ की जाती हैं अक्सर। और प्लेस में इस तरह के प्रेपोजिशन यूज़ की जाती हैं, अगर प्लेस के किसी सेंटेंस में जिक्र है तो अंडर, अबव, इन, ऑन या एट प्रेपोजिशन वगैरह यूज़ की जाती हैं। डायरेक्शन वाले सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं कि हमें पता चलता है कि कोई चीज़ किस डायरेक्शन में है, ठीक है, और टाइम के कब और ये चीज़ उसके आगे टाइम मेंशन होगा या उस सेंटेंस से इस तरह का हमें मीनिंग मिल रहा होगा तो उसमें भी हम इस तरह की प्रेपोजिशंस बताएंगे, या किसी लोकेशन का या कुछ इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे तो उनमें हम इस तरह से प्रेपोजिशन को फिल करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो किसी सरफेस पे, मतलब कि किसी सरफेस से अगर बात की जा रही है, ठीक है, कोई चीज़ अगर किसी सरफेस पर रखी गई है तो उन जैसे सेंटेंसेस में हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। लाइक मतलब जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो इसमें देखिए एक टेबल था, टेबल की सरफेस पर बुक रखी गई है तो हम वहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी सरफेस पर रखी गई है, तो जब सरफेस पे कोई चीज़ रखी जाएगी तो उसमें हम ऑन यूज़ करेंगे। इसी तरह कोई डेज या डेट वाले सेंटेंसेस हैं तो उसमें भी हम ऑन यूज़ करते हैं। नाउ बुक पेज नंबर 58, ये एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग वॉज हेल्ड डैश अ बिग हॉल। अब हमने इसमें प्रेपोजिशन कौन सा लगाया, इन लगाया। द प्रेपोजिशन इन शोज वेयर द मीटिंग वॉज हेल्ड, ठीक है, ये देखिए ये प्लेस, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, वेयर समथिंग हैपन्ड, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन इज हॉल, तो हॉल जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन हमारा क्या है, इन। बी सेंटेंस देखिए, द डॉग वॉज रनिंग डैश मी, तो जो टू वर्ड्स है यानी कि जो डॉग है वो मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था, यानी कि ये जो टू वर्ड्स है ये प्रेपोजिशन है। अब ये देखिए, इसमें उसने डायरेक्शन शो किया, ठीक है, टू वर्ड्स जो है वो प्रेपोजिशन है, जिस डायरेक्शन में डॉग जो था वो भाग रहा था। इसमें जो मी है वो प्रोनाउन है। सी, जॉन्स बुक आर डैश द टेबल, अब ये देखिए ये जो टेबल की सरफेस पर बुक पड़ी हुई है जॉन की, ठीक है, ये भी इंडिकेट प्लेस को ही कर रही है, ठीक है, इसमें जो ऑन है वो प्रेपोजिशन है और जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल है।
अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एज अ प्रेपोजिशन भी यूज किए जाते हैं और एज अ एडवर्ब्स भी यूज किए जाते हैं। इफ सच अ वर्ड इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज अ प्रेपोजिशन, इफ नॉट इट इज एन एडवर्ब। यू शुड गो अप, अप जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है बट एडवर्ब है। ये सेंटेंस देखिए, यू शुड गो अप द स्टेयर्स। अब ये देखिए जो अप द स्टेयर्स है ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, तो ये सारा ही ये जो लास्ट में है ये प्रेपोजिशन है। पेज नंबर 58 पार्ट ए, पॉइंट आउट द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइंड प्रेपोजिशंस। एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो टू हेल्प यू। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल जो है आपको बता दी गई है। इसमें आपने क्या करना है, इस पार्ट में आपने प्रेपोजिशंस को अंडरलाइन करना है, ठीक है, और साथ ऑब्जेक्ट को भी अंडरलाइन करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मानी थ्रू द बॉल एट द विकेट। ये जो एट है ये क्या है, प्रेपोजिशन, और विकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। नाउ पेज नंबर 59, फर्स्ट सेंटेंस है, द की टू गुड हेल्थ इज गुड हैबिट्स। ये देखिए ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए जो हेल्थ है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस, द रेड हाउस ऑन योर लेफ्ट इज द हाउस विच यू आर लुकिंग फॉर। इस सेंटेंस में ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, लेफ्ट ऑब्जेक्ट है, इसी तरह विच जो है वो ऑब्जेक्ट है और जो फॉर है वो प्रेपोजिशन है। थर्ड, जून फॉरगॉट टू टेक हर पर्स विद हर एंड हैड नो मनी फॉर हर बस फेयर। विद प्रेपोजिशन है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह फोर जो है वो प्रेपोजिशन है, फेयर क्या है, ऑब्जेक्ट। फोर्थ सेंटेंस है, एस्ट्रोनोमर्स लुक एट द स्काई ईयर आफ्टर ईयर पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग न्यू टू स्विम इनटू साइट। एट क्या है, प्रेपोजिशन, उसके बाद स्काई जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह फोर जो है वो प्रेपोजिशन है और समथिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। नीचे इस लाइन में भी इनटू प्रेपोजिशन है, साइट ऑब्जेक्ट है। फाइव, ही इज अ लीडर वर्थी ऑफ आवर रिस्पेक्ट। अब जो इस सेंटेंस में जो ऑफ है ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, और रिस्पेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। सिक्स, अ स्टार फ्लैश्ड अक्रॉस द स्काई बट नो बॉडी टुक एनी नोटिस फॉर इट ऑफ इट। अक्रॉस क्या है, प्रेपोजिशन, स्काई क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट। सेवन सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट्स द टेम्परेचर विल ड्रॉप बिलो जीरो। टू प्रेपोजिशन है, वेदर रिपोर्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह बिलो क्या है, प्रेपोजिशन, और जीरो क्या है, ऑब्जेक्ट। एट सेंटेंस, यू कैन नॉट विजिट अनदर कंट्री विदाउट अ पासपोर्ट। विदाउट क्या है, प्रेपोजिशन, और पासपोर्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। नाइन सेंटेंस, यू मस्ट प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर योर लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, एब्सेंस क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। टेन सेंटेंस है, द ग्लास फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक इनटू पीसेस। फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन, हैंड क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह इनटू प्रेपोजिशन है और पीसेस क्या है, ऑब्जेक्ट। नाउ पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस चूजन फ्रॉम दोज गिवन विद इन ब्रैकेट्स। ये कुछ सेंटेंसेस दे दिए गए हैं
और इन सेंटेंसेस के लास्ट पे ब्रैकेट्स में कुछ प्रेपोजिशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जो प्रेपोजिशंस आपको दी गई हैं ब्रैकेट्स में, आपने सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस को पढ़ते हुए जो प्रेपोजिशन सूटेबल आपको लग रही है वो आपने सेंटेंस में टिक करके फिल, जो ब्लैंक है उसमें फिल कर देना है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ अ गोल्डफिश स्विमिंग डैश द बाउल। आप बताइए सेंटेंस को पढ़ के इसमें कौन सी प्रेपोजिशन सूट कर रही है, इन या ऑन? इन आएगा, ये आपने इसको टिक करना है और वो ब्लैंक में लिख भी देना है। सेकेंड, वी लुक्ड डैश द स्टार्स, वी लुक्ड एट द स्टार्स ट्विंकलिंग डैश द नाइट स्काई, इन आएगा, ठीक है, यहाँ पे इन लिखा हुआ है। थर्ड सेंटेंस है, शी पुट द डिशेस डैश द टेबल। अबव द टेबल होना चाहिए, ऑन द टेबल होना चाहिए, ऑन द टेबल होता है। वन इन फ्रंट डैश ईच गेस्ट ऑफ गेस्ट। फोर्थ सेंटेंस है, वी सॉ हिम गोइंग डैश द स्टेशन नियर टू वर्ड्स। अब नियर होना चाहिए, टू वर्ड्स होना चाहिए, तो ये टू वर्ड्स आएगा यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू वर्ड्स। फिफ्थ सेंटेंस है, एयर इज एसेंशियल डैश लाइफ। अब टू प्रेपोजिशन लगना चाहिए या विद लगना चाहिए, तो आपको यहाँ पे कौन सा सूट कर रहा है, टू, तो यहाँ पे आप टू लिख देंगे। सिक्स सेंटेंस है, द डॉग हैड अ कॉलर डैश अ नेम टैग। अब टू होना चाहिए, विद होना चाहिए, तो विद प्रेपोजिशन बिल्कुल करेक्ट है इस सेंटेंस में। आगे देखिए, डैश इट्स नेक राउंड इट्स नेक। सेवन सेंटेंस है, ही वॉज लाइंग डैश द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ग्रोनिंग डैश पेन विथ पेन। एट सेंटेंस है, द पोस्टमैन पुश्ड द लेटर्स डैश द डोर थ्रो के अंडर, अंडर करेक्ट ऑप्शन है। नाइन्थ, ही इज कमिंग डैश लंदन, ही इज कमिंग फ्रॉम लंदन, ठीक है, फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगी। डैश अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर, तो टू जो है वो प्रेपोजिशन उस इस वाली ब्लैंक में आएगा। टेंथ सेंटेंस है, ही मेड अ लॉट ऑफ फूस डैश द इन्विटेशन कार्ड्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में क्या आएगा, ओवर, बट फॉरगॉट डैश इनवाइट हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, टू आएगा। नाउ पेज नंबर 60 पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। स्टूडेंट्स को सेंटेंसेस दे दिए गए हैं, इनमें आपने प्रेपोजिशंस फिल करनी है। फर्स्ट सेंटेंस है, मदर लुक्ड डैश द फोटोग्राफ्स, मदर लुक एट द फोटोग्राफ्स, जो एट है ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। डैश द एल्बम इन द एल्बम विद अ स्माइल डैश हर फेस ऑन हर फेस। सेकेंड सेंटेंस है, सना फिल्ड द इलेक्ट्रिक कैटल डैश वाटर, तो यहाँ पे हमारी क्या प्रेपोजिशन आएगी, विद। एंड पुट द टी कप्स डैश द टेबल ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर। थर्ड सेंटेंस है, आई हैव नेवर हियर्ड डैश सच अ स्ट्रेंज एनिमल बिफोर, तो प्रेपोजिशन ऑफ आएगी। फोर्थ सेंटेंस है, द क्लॉक वॉज प्लेस्ड हाई डैश द सिटी अबव द सिटी सो डैट एवरीबॉडी कुड लुक डैश इट एट इट एंड नेवर बी लेट डैश एनीथिंग फॉर एनीथिंग। फाइव सेंटेंस है, नो बॉडी कुड सॉल्व द मिस्ट्री डैश द मिसिंग रिस्ट वॉच ऑफ। सिक्स सेंटेंस है, वन मस्ट नेवर बी क्रूल डैश एनिमल्स टू एनिमल्स। सेवन सेंटेंस है, द रूम वॉज डेकोरेटेड डैश बलून्स एंड फेस्टून्स डैश द बर्थडे पार्टी विद बलून्स, और इस वाली में ब्लैंक में आएगा फोर। एट सेंटेंस है, द आईज डैश द लिटिल बॉय वर शाइनिंग डैश जॉय। द आईज ऑफ द लिटिल बॉय, ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है इसमें, वर शाइनिंग विद जॉय, खुशी के साथ, ठीक है, शाइन कर रहा था, विद आएगा। नाइन सेंटेंस है, वी प्लान टू हैव अ पार्टी डैश द लास्ट डे ऑफ द टर्म ऑन आएगा इसमें। टेन, मरियम इज वेरी पॉपुलर डैश हर क्लासमेट्स
विद आएगा। 11th सेंटेंस है, शी वॉज अफ्रेड डैश डॉग्स बट वेरी फॉन्ड डैश कैट्स। अफ्रेड के साथ यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन आएगा, फॉन्ड के साथ भी यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन आएगा। 12th सेंटेंस है, आदिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ डैश द एक्सीडेंट फॉर द एक्सीडेंट। 13th सेंटेंस है, राशिद लिव्स डैश कराची इन कराची बट ही ऑफन गोज डैश हैदराबाद टू। 14th सेंटेंस है, आवर कार ब्रोक डाउन डैश द वे एंड वी हैड टू वॉक डैश द स्टेशन। ऑन द वे आएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा। 15th सेंटेंस है, द गर्ल वाज सिटिंग डैश द वेरांडा रीडिंग अ बुक। यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन आएगा। 16th सेंटेंस है, द अर्थ गोज डैश द सन वंस अ ईयर राउंड। 17th सेंटेंस है, द सन्स ऑफ द किंग फोर्ट डैश themselves फॉर ईच ऑफ देम वांटेड टू बी द किंग। तो यहाँ पे बिटवीन भी प्रीपोजिशन आ सकता है और अमंगस्ट भी प्रीपोजिशन आ सकता है। 18th सेंटेंस है, द डिस्टेंस डैश द टू कंट्रीज वाज 7000 माइल्स। तो दो कंट्रीज के दरमियान यानी बिटवीन कहते हैं हम दरमियान को, तो जो दो कंट्रीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना है 7000 माइल्स था। तो यहाँ पे हम बिटवीन लगाएंगे यानी जो बिटवीन है ये भी हमारा प्रीपोजिशन है। 19th सेंटेंस है, ऑन हिज वे बैक डैश स्कूल अमाद ट्रिप्ड डैश अ स्मॉल स्टोन एंड ट्विस्टेड हिज एंगल। अच्छा, ऑन हिज वे बैक यहाँ पे आएगा फ्रॉम प्रीपोजिशन, फ्रॉम स्कूल अमाद ट्रिप्ड डैश अ स्मॉल स्टोन ओवर अ स्मॉल स्टोन एंड ट्विस्टेड हिज एंकल। 20th सेंटेंस है, द ड्रॉप्स ऑफ ड्यू डैश यू सी डैश द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग डैश द ग्रास ग्रास पर। तो ये ऑन आएगा इसमें, एंड फ्लावर्स डोंट फॉल डैश द स्काई लाइक रेन। तो स्काई से, तो फ्रॉम आएगा इसमें और प्रेपोजिशन क्या यूज हो रही है फ्रॉम। स्टूडेंट्स आपने ये एक्सरसाइज ए बी एंड सी पार्ट आपने बुक्स पे नीट वे में नोट डाउन करनी है और इन एक्सरसाइज को आपने अच्छे से याद भी करना है और समझना भी है।